क्वेश्चन नंबर थ्री है, इन फिगर 6.44 ठीक है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल ए ओ डिवाइड बाय डी ओ। देखो ये जो 6.44 फिगर जो है यहाँ पे जिस फिगर का ये जिक्र कर रहा है, दिस इज द क्रोकाइड फिगर, ए बी सी डी ओ ठीक है। देखो देखो ए बी सी जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ठीक है, और एक ट्रायंगल है डी बी सी, डी बी सी ये वाला ट्रायंगल ठीक है, ये दो ऐसे ट्रायंगल्स है जो सेम बेस पे खड़े हैं ठीक है, तो वो सेम बेस कौन सा है, वो बी सी है। देखो ये बी सी, ये इनकी सेम बेस है ठीक है, ए बी सी और डी बी सी, बी सी जो है ये इस ट्रायंगल की भी बेस है और इस ट्रायंगल की भी ये बेस है ठीक है, भाई आप समझ लीजिए ये कॉमन बेस है ठीक है। ओके, इन ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, अगर ए डी जो है डायगोनल इंटरसेक्ट बी सी एट द पॉइंट ओ ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी जो है इट इज इक्वल ए ओ डिवाइड बाय डी ओ ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है ए बी सी ठीक है डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ठीक है, इट इज इक्वल ए ओ डिवाइड बाय डी ओ ठीक है। अब देखो इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, गिवन ठीक है, गिवन क्या है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स विद द सेम बेस बी सी ठीक है। ओके, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी जो है इट इज इक्वल ए ओ डिवाइड बाय डी ओ। अब देखो इसमें हम एक्स्ट्रा सेटअप यहां पे ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन का सेटअप, क्यों, देखो इससे पहले हमारे पास क्या होता था, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हुआ करते थे ठीक है, जब हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते थे तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वो 6.6 थ्योरम इस्तेमाल करते थे उन ट्रायंगल्स पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी का कुछ जिक्र नहीं किया गया है, अलबत्ता एक चीज है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास बेस होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए ठीक है, लेकिन इन दो ट्रायंगल्स में ए बी सी जो है और डी बी सी जो है ठीक है, इनमें हमें बेस मिल रही है, कॉमन बेस है बी सी ठीक है, और जो हमें हाइट है, हाइट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इस ट्रायंगल में ए बी सी जो ट्रायंगल है हम इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं बी सी पे ठीक है, लेट अस कॉल दैट परपेंडिकुलर ए एल ठीक है, दिस विल एक्ट एज हाइट, ये ए एल जो है ये इस ट्रायंगल में हाइट कहलाएगी ठीक है। ओके, इसी तरीके से यहां से इस ट्रायंगल में बी डी सी में ठीक है, इसमें हम यहां से डी से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इसी बी सी पे, क्योंकि ये जो बी सी है बी सी कॉमन बेस है इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी, हम यहां भी एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं
जिसका नाम हम देते हैं डी एम, डी एम। ठीक है, अब देखो, देखो ये कंस्ट्रक्शन या यहां पे मैं ये लिख रहा हूं थ्रू थ्रू ए एंड डी ड्रा ए डी सॉरी ए एल एंड डी एम परपेंडिक्यूलर्स, परपेंडिक्यूलर्स ऑन बी सी। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ की तरफ। देखो अब आ जाओ प्रूफ की तरफ। प्रूफ देखो, ए बी सी जो ट्रायंगल है हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, दिस विल एक्ट एज ए हाइट, सो वी अप्लाई द फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, implies area of triangle ABC is equal to 1/2 base kya hai, base it is BC into height, height is AL। theek hai, okay, also area of triangle DBC, DBC is equal to 1/2 यही बेस इनटू हाइट, इसकी बेस भी बीसी ही कहलाएगा। ठीक है, बीसी इनटू हाइट, हाइट इसका डीएम है, डीएम। ठीक है, अब हम इनका रेशियो लेते हैं। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल 1/2 BC into AL divided by 1/2 BC into DM। ठीक है, 1/2 BC, BC, this will cancel out, implies area of triangle ABC divided by area of triangle DBC जो है, it is equal to AL divided by DM। ठीक है, देखो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी किसके बराबर आ रहा है, एएल डिवाइड बाय डीएम। लेकिन ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी है, दिस इज मस्ट बी इक्वल टू एओ डिवाइड बाय डीओ। लेकिन हमें क्या आ रहा है, एएल डिवाइड बाय डीएम। कोई बात नहीं, हम इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखो ये जो AO DO जो है, AO DO, ठीक है, अब मैं इन दो ट्रायंगल्स को ले रहा हूं, देखो मैं इन दो ट्रायंगल्स को ले रहा हूं ALO और DMO। ठीक है, इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल DMO, MO, देखो इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, देखो एंगल ALO, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO, एंगल DMO क्यों, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ओके, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दोनों का मेजर 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। Also, देखो एंगल AOL, एंगल AOL जो है, AOL ये वाला एंगल, इट इज इक्वल टू DOC, DOM सॉरी, DOM, एंगल DOM उन दो ट्रायंगल में, क्यों, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां से आपको इसका रीजन लिखना है, vertically opposite angles। ठीक है, देखो इन दो ट्रायंगल्स में हमें दो corresponding angles equal मिल रहे हैं।
ठीक है, तो हमारे पास एक क्राइटेरियन है सिमिलरिटी का, एंगल एंगल सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, और ट्रायंगल ट्रायंगल ए एल ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम ओ, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी के मुताबिक ये जो ट्रायंगल ए एल ओ और डी एम ओ जो है दे आर सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल, इंप्लाइज देखो ए एल डिवाइड बाय डी एम, ए एल डिवाइड बाय डी एम जो है इट इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाय डी ओ, ए ओ डिवाइड बाय डी ओ, कॉल दिस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, ये किसके बराबर आ रहा था हमें उस टाइम, ए एल डिवाइड बाय डी एम, ठीक है, तो हमने ए एल डी एम, ठीक है, ए एल डी एम निकालने के लिए हमने इन दो ट्रायंगल्स का सहारा लिया है, ठीक है, तो ए एल डिवाइड बाय डी एम का जो वैल्यू निकला वो दैट इज ए ओ डिवाइड बाय डी ओ। हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पुट put a l divided by d m is equal to a o divided by d o in equation first, or you can simply say using equation second in first we get, dekho hame kya milega equation second ko first equation mein istemal karne se, implies area of triangle a b c divided by area of triangle DBC जो है which is equal to AL DM जो है इसका हमें वैल्यू क्या आ गया AO divided by DO, AO divided by DO, यही तो प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर थर्ड क्वेश्चन।